Good morning, students. So far we were seeing chemical equilibrium, isn't it? We were discussing chemical equilibrium. So we were discussing about the equilibrium constant for reactions in which smaller atoms were forming molecules, so we'll balance it, and they were in equilibrium. अभी तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और इस प्रकार के रिएक्शंस देख रहे थे कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो भी केमिकल स्पीसीज ऐसे थे कि जो कि एटम थे या मॉलिक्यूल थे, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो भी मॉलिक्यूल थे, आयंस नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शंस देख रहे थे अभी तक हम, जैसे PCl5 को हीट किया तो PCl3 प्लस Cl2 बना। So these all were molecular reactions, isn't it? What were involved in this? Molecules. अब हम देखेंगे कुछ reactions जिसमें ions involved होंगे। Ions involved किसमें होते हैं? Acid में होते हैं। ये एक strong acid है क्योंकि ये mineral acid है। ये एक वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है ना। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। ड्राई कंडीशन में तो नहीं करेगा, इसे सॉल्वेंट चाहिए, वाटर वाटर वाटर। वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सॉल्ट्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं आयोनिक रिएक्शंस। और इनके केस में हम पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। वी स्टडी आयोनिक इक्विलिब्रियम इन केस वेयर आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अभी तक हमने क्या देखा था? केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था जहां पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। अब हम देखेंगे कहां पे, कैसा देखेंगे, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है, वीक एसिड इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, वीक बेस इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन्वॉल्व है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहते हैं जो कि वाटर में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में वो टूट जाए, ठीक है। तो एसिड के केस में हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन, बेस के केस में कहते हैं बेस डिसोसिएशन, और सॉल्ट में कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
हाइड्रो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिसिस मीन्स टू ब्रेक, ये हमने कल एग्जाम्पल में देखा भी था एक, है ना। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली, बिकॉज आयन्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम केमिकल्स। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, देर आर थ्री नेम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट आर सेम ओनली। एग्जाम्पल, एरिनियस एसिड एरिनियस बेस ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस लुईस एसिड लुईस बेस। हां जी, ये लुईस एसिड और लुईस बेस जो है वही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करते थे, है ना। हमने लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उस लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे और कहते थे कि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसे हम कहते हैं लुईस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे कहते हैं लुईस एसिड। वही कॉन्सेप्ट है, सेम, ठीक है, बस इसको यहां पे एक साथ पढ़ना है। लंबा सेंटेंस अपने मन से हम लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेक आवर ओन सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस हम खुद से बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं। जो की नोट कंसेप्ट है, द की नोट कंसेप्ट इज दैट एच प्लस आयन डोनर इज एन एसिड, हियर एच प्लस आयन एक्सेप्टर इज ए बेस। एग्जाम्पल OH माइनस आयन एक बेस है क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करके वाटर बन सकता है ना। तो ये एरिनियस बेस के डेफिनेशन को सूट कर गया। H प्लस आयन डोनर इज एन एसिड, HCl H प्लस डोनेट कर सकता है तो ये एसिड है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड H प्लस आयन डोनेट कर सकता है तो ये एरिनियस एसिड हो गया। इस प्रकार से हम तीन टिक करेंगे हर एक स्पेसीज में। इन ईच ऑफ दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट आई विल पुट थ्री टिक्स, वन टिक फॉर एरिनियस एसिड एंड बेस, वन टिक फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस एंड वन टिक फॉर लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है। हम इनके डेफिनेशन को टेस्ट करेंगे वहां पर देखकर। इसे अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखना हो तो क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे कि एरिनियस एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स आउट एच प्लस आयन्स, एरिनियस बेसिस आर द बेसिस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर कैन एक्सेप्ट एच प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। तो शॉर्ट में जो की नोट है, ठीक है, हमारे माइंड में हम क्या रखते हैं, की नोट रखते हैं, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक नहीं रख सकते, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक को दिमाग के अंदर रखना होता तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक को आपके बोर्ड पर लिख देता, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करता और बोलता कि देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है। तो लर्निंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, की नोट माइंड के अंदर होना चाहिए और लिंग्विस्टिक स्किल को यूज करके, लैंग्वेज स्किल को यूज करके उसे हम एग्जाम में एलोबोरेट करते हैं। कैसे एलोबोरेट करते हैं, जैसे यहां पे की नोट क्या है, H प्लस आयन डोनर इज एन एसिड, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, व्हाट इज एरिनियस एसिड, एरिनियस एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर कैन गिव आउट H प्लस आयन, है ना।
अब मैं इतने बड़े डेफिनेशन को लिखूंगा बोर्ड पे तो टाइम भी जाएगा, स्पेस भी जाएगा, और इट विल प्रूव दैट यू कैनॉट मेक सेंटेंस. इट इज नॉट लाइक दैट, यू कैन मेक योर सेंटेंस ऑन योर ओन. सो लेट अस लर्न साइंस, नॉट सेंटेंस मेकिंग. Arrhenius base, H plus ion acceptor is a base. In exam, how will you write? In exam, you will write Arrhenius bases are the base which, when dissolved in water, can give out or can accept H plus ion from the solution. A bronsted acid, this may be H plus ion donor, is an acid. And Bronsted एक N जुट गया ना. OH minus ion donor is a base. आप ठीक करें फिर दोबारा. H plus ion donor is an acid. ये Bronsted acid है. H plus ion donor ये भी है, ये भी Bronsted acid है. दो टिक हो गए. यानी कि एसिड के डेफिनेशन को जिस प्रकार से Arrhenius ने दिया और जिस प्रकार से Bronsted ने दिया, दोनों ही डेफिनेशन सिमिलर है, बस अप्रोच इज डिफरेंट इन केस ऑफ बेस. ठीक है, ये कह रहा है H plus ion acceptor is a base और ये कह रहा है OH minus ion donor is a base. ठीक है, अच्छा तो OH minus donor देखते हैं कहां पे है. OH minus donor ये बेस है, ये बेस Arrhenius बेस है. क्यों? क्योंकि H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है और वाटर बन सकता है. H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? H2O, है ना, दिख रहा है ना कैमरा में? यस, सिमिलरली OH माइनस डोनर, जो ये OH माइनस डोनेट कर रहा है तो ये बेस भी हो गया. ये भी OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बेस हो गया. ठीक है, और ये Arrhenius बेस भी है बिकॉज दिस कैन ऑल्सो एक्सेप्ट H प्लस आयन. ये एक्सेप्ट H प्लस आयन एक्सेप्ट करके H2 बन सकता है. ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मोर और लेस सेम ही है, बस अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग इज डिफरेंट है ना, थोड़ा लैंग्वेज पे डिफरेंस है, बाकी मीनिंग इज द सेम है ना. ऑल राइट, लुईस एसिड्स आर द एसिड्स विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एक्सेप्ट हो रहा है भाई H प्लस में, देखते हैं. जैसे कि एग्जांपल, अगर हम H प्लस का एसिड तो जानते हैं कि एसिड है ये, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ये? OH माइनस का मतलब क्या हुआ? OH माइनस का मतलब है O और H के बीच में एक बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया. और अमोनिया मॉलिक्यूल अगर ले, अमोनिया में लोन पेयर होता है, सबको पता है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से पढ़ाया था, स्किप नहीं किया था उसको, इस चैप्टर को स्किप करके आगे नहीं पढ़ सकते कुछ भी, है ना. दैट मींस व्हाट, एच प्लस इज ए लुईस एसिड ऑल्सो. तो एच प्लस जो है एक लुईस एसिड है, एच प्लस जो है एक लुईस एसिड है, ये भी एस्टैब्लिश हो गया. Alright, that means Lewis acids are also Bronsted acids, Lewis acids are also Arrhenius acids. So the concepts are not contradicting. ये जो concept, तीनों concept है, ये contradicting नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि Arrhenius ने जो कहा वो गलत है या Bronsted ने जो कहा वो गलत है और Lewis ने जो कहा वो गलत है. It is about the approach of looking into the molecule. Molecule को देखने का नजरिया different है. Lewis base. यहां पर लुईस बेस ने बनाया है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो बेस है, है ना. तो यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर इज ए बेस, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल के लोन पेयर अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, तो ये एक लुईस बेस है, ये एक लुईस बेस है अनडाउटेडली। और ये एक लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन रिलेशन टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ एरेनियस, ब्रॉन्स्टेन एंड लुईस इज क्लियर। ये पूरा क्लियर हो चुका है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, जिस फॉर्मूला को जानने के बाद ही हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब एसिड डिसोसिएट करता है तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। जब बेस डिसोसिएट करता है तो हम कहते हैं के बी। जब कोई भी केमिकल करता है तो के सी करते हैं, है ना, के सी। जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, के एच। ऑलराइट, सो दिस मींस एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ये कैसा होता है, जैसे एक सी एल है, एग्जाम्पल एक वीक एसिड लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, सी एच थ्री सी ओ, ये बार बार ले रहे हैं, चलो कुछ और ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में थोड़ी देर में आने वाला है, बेंजोइक एसिड ब्रेकिंग इंटू So K A for this will be equal to concentration of benzoate ion into H plus ion divided by initial concentration of, or the concentration of the benzoic acid at equilibrium, initial नहीं, जब equilibrium में ये हो तब। कैसे निकालते हैं सभी को पता है, ठीक है। इसे हम अगर मान ले कि एट टाइम इक्वल टू जीरो सेकेंड, ये इसे कंसेंट्रेशन वन था और ये जीरो था और ये जीरो था, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद एक कुछ समय के बाद इसमें से एक अल्फा फ्रैक्शन निकल गया, कंप्लीटली तो निकलेगा नहीं, वन माइनस वन तो होगा नहीं क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, कौन, ये और ये, मींस इट वाज वन जीरो जीरो, नाउ फ्रॉम वन अल्फा हैज कम आउट, सो इट विल बिकम जीरो प्लस अल्फा एंड जीरो प्लस अल्फा, दैट मींस अल्फा एंड अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम हाउ वी विल राइट, सो के ए को कैसे लिखते हैं, के ए इज रिटन एज, अगर ये सी कंसेंट्रेशन होता, मान ले कि न्यूमेरिकल में कोई भी कंसेंट्रेशन दे सकते हैं, सी सी मान लेते हैं और जनरलाइज कर लिया इसको, ठीक है, पहले वन लिया था अब सी दे दिया बढ़ते बढ़ते, तो क्या लिखेंगे, सी अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना ये और ये, डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी कैन राइट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। बहुत पर्टिकुलर हूं अगर हम अपने न्यूमेरिकल्स में, तो वन माइनस अल्फा के इस अल्फा वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होता है, दिस अल्फा वैल्यू इज मच लेस 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 देन वन, इसको नेगलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाता है थोड़ा, सो वी कैन राइट इट एज सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, और अल्फा विल बी इक्वल टू के ए बाई इनिशियल कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ इट, ठीक है। बेस के केस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ए के बदले बी लिख देना है, ठीक है, बेस के केस में क्या करना है,
सिर्फ ए के बदले बी लिख देना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, एक बार और करें, एक बार और करते हैं इसको, इरेज करके कोई और एसिड लेते हैं। कौन सा एसिड ले लें? डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड ले रहे हैं। इनकेस अगर हम ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे तो क्या होगा? अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। कहां से मिलता है? टोमेटो से, गुआवा से। ये जब वाटर में डिसोसिएट करेगा तो बनाएगा ऑक्सैलेट आयन, सिंपल में लिख सकते हैं इसको, H2C2O4 विल फॉर्म C2O4 टू माइनस, ये वन माइनस और ये वन माइनस, प्लस 2H+। जब इसका कंसेंट्रेशन 1/1 था, है ना, वन जितना भी पार्ट है उतना था, 1/1 इक्वल टू 1, तो ये जीरो और ये जीरो, मतलब इसको कोई खर्च नहीं हुआ इसमें से कुछ भी। अब इसमें से अल्फा निकल जाएगा तो 1 - अल्फा, सो दिस विल बिकम अल्फा एंड दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 2α, दिस विल नॉट बी ओनली अल्फा। सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि कितना बेसिसिटी है एसिड का। एसिड का बेसिसिटी मतलब कितना H+ आयन वो लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के आधार पे फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, लकीर का फकीर नहीं बनना है। सो फॉर कंसेंट्रेशन सी, अगर कोई भी कंसेंट्रेशन दिया रहे, यहां तो हमने 1 ले लिया था, अब कोई कंसेंट्रेशन सी रहेगा, दिस विल बी सी, दिस विल बी सी, दिस विल बी सी। नाउ इन दिस केस के ए विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय सी इंटू 1 - अल्फा। तो ये सी एंड स्क्वायर कट जाएगा एंड के ए विल बिकम 2α² / 1 - अल्फा। उसी प्रकार से अगर हम साइट्रिक एसिड ले लें, साइट्रिक एसिड में कितने OH होते हैं, कितने H+ होते हैं? 3H+ होते हैं। साइट्रिक एसिड में 3H+ होते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जनरलाइज कर सकते हैं क्या, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे कि के इज इक्वल टू एन अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, वेर एन इज द नंबर ऑफ H+ आयन विच द एसिड गिव्स आउट, वेर एन इज द नंबर ऑफ H+ आयन द एसिड गिव्स आउट। ठीक है, खुशी की बात यह है कि थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में ही ऐसे कंडीशन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, जनरली नहीं आते, तो जनरली जो है आप लोग इतना ही याद रखेंगे तो जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, और ये थोड़ा जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। ऑलराइट, के बी के केस में भी सेम रहेगा, बस ए के बदले हम बी लिख देंगे। इन केस ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स दो तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट, यही तो है ना, मतलब HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl। वाटर को छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर तो यहां पे भी है, वाटर यहां पे भी है। ठीक है, तो आई जस्ट मीन टू से दैट एसिड एंड बेस टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट। अब इसमें दो तरह, तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यह है वीक एसिड, यह है स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COO-Na+, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. वीक बेस कैसे ले ले, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl. सो इट विल फॉर्म वाटर. वाटर हर जगह है. आई एम नॉट राइटिंग वाटर बिकॉज इट इज नॉट द सिस्टम टू बी डिस्कस्ड नाउ. इट इज नॉट इन सिस्टम. अभी वो हमारे डिस्कशन के सिस्टम में नहीं है. NH4Cl. दिस विल बी ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो थ्री केस हैं. केस वन, केस टू एंड केस थ्री. कैन यू राइट नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव वीक इलेक्ट्रोलाइट. इन दिस केसेस जो सॉल्ट्स बनते हैं, इन सॉल्ट्स का वाटर में क्या फेट होता है? फेट वाटर में उनकी किस्मत कैसी होती है? क्या बनते हैं वो फ्यूचर में? जब उसे हम वाटर में डालते हैं तो उनका फेट क्या होता है? फेट, फेट मतलब किस्मत. व्हाट विल दे बिकम व्हेन दे विल पुट इन वाटर? NaCl इफ इट इज पुट इन वाटर, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस. कंप्लीट डिसोसिएशन. बट इन केस ऑफ वाटर वी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. इन केस ऑफ सॉल्ट वी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. CH3COO-Na+. सिंस इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम में आएगा. CH3COO-Na+. एक्वस एंड अमोनियम क्लोराइड, दिस विल ऑल्सो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट एंड विल फॉर्म NH4+ Cl-. ठीक है. तो जब भी कोई सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो जो पॉजिटिव पार्ट कटायन होता है उसे कहते हैं हम बेसिक रेडिकल. और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल. तो ये बेसिक रेडिकल है. क्यों ये टर्म को यूज कर रहे हैं अभी हम? बेसिक रेडिकल, दिस इज एसिडिक रेडिकल. सिमिलरली जब भी कोई एसिड डिसोसिएट करता है, जैसे CH3COOH, जब ये डिसोसिएट करेगा तो CH3COO-+H+ बनेगा. तो ये तो एसिड पार्ट है. ये इसका कंजुगेट बेस होता है. कंजुगेट मतलब जुड़ा हुआ, कंजुगेट बेस. सिमिलरली जब भी कोई बेस डिसोसिएट करता है ये बेस हो गया. दिस इज बेस. दिस कॉल्ड इज कंजुगेट, कंजुगेट एसिड. तो ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हम नेगेटिव आयन को एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज कम आउट फ्रॉम एन एसिड. इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड. और बेसिक रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज कम आउट फ्रॉम ए बेस एंड इट इज इट्स कंजुगेट एसिड. ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ एसिड है. एसिड और बेस जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो सॉल्ट हो, एसिड हो या बेस हो. तो कंजुगेट का मतलब जुड़ा हुआ है ना. ये क्या है? बेस है. बेस क्यों है? OH- है इसलिए बेस है. तो उसका जो काउंटर पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, उसे कंजुगेट कहेंगे. कंजुगेट क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे. ये क्या है? एसिड है. एसिड किस लिए है? क्योंकि H+ आयन निकला. H+ आयन निकला तो बचा क्या? एसिडेड आयन. एसिडेड आयन कहेंगे कंजुगेट बेस कहेंगे. CH3COO- जो है वो एसिड से निकलता है इसलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं. NH4+ जो है वो
बेस से निकल रहा है इसलिए हम इसे बेसिक रेडिकल कहेंगे. ऑलराइट. सिमिलरली HCl माइनस इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल क्योंकि HCl से देखेंगे तो HCl का H प्लस निकला तो एसिड था इसलिए Cl माइनस इज अ कंजुगेट बेस इट इज एसिडिक रेडिकल. ऑलराइट. नाउ इफ आई राइट Ka is acid dissociation constant, Kb is base dissociation constant, Kc is for any equilibrium, it is equilibrium constant. For any chemical equilibrium, this is hydrolysis, है ना? This is hydrolysis constant of salts. ये salts के केस में, ठीक है? अब इनके formulas को हम याद करेंगे. Ka, Kb और Kc अभी तक हमने देख लिया था. अब KH देखते हैं. तो KH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ऐसे KH इज इक्वल टू वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw by Ka, acid dissociation constant. This was for strong acid and weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो यहां पे बी होगा. ठीक उसका उल्टा KH फॉर वीक बेस एंड वीक बेस वी हैव टेकन ऑलरेडी फॉर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल राइट KH इज इक्वल टू वाटर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट Kw डिवाइड बाई Ka. ये दो फॉर्मूला काफी है. फिर इसको हम pH के रूप में भी लिख सकते हैं. ठीक है. And if it is for both weak acid and weak base, KH for weak acid plus weak base will be equal to KH is equal to Kw by both Ka plus Kb. ठीक है.
नाउ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बात किया था ना, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ मच फ्रैक्चर इज डिसोसिएटिंग, सिमिलरली एच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो एच कैसे निकालते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे अभी फिलहाल तो, है ना, जस्ट वी विल जस्ट रिमेंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर सच सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज इक्वल टू रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के ए डॉट के बी। ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सा सिमिलैरिटी है तो जल्दी याद हो जाएगा इसमें, है ना। एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एच डिराइव करेंगे तो न्यूमेरिकल लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें के डब्ल्यू सेम, यहां पे के बी सेम, और जो कंसेंट्रेशन दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस केस ये सिमिलर है इसलिए मैं लिख रहा हूं के एच इज इक्वल टू रूट ओवर के डब्ल्यू बाय के ए डॉट सी। एक और फॉर्मूला साथ साथ याद रखना है हमें, पीएच अगर इसका पीएच निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या होगा, पीएच निकालना हो इसका तो लिखेंगे हम हाफ लॉग पीकेडब्ल्यू प्लस हाफ लॉग पीके प्लस हाफ लॉग सी। इन दिस केस वी विल राइट पीएच इज इक्वल टू हाफ लॉग पी के डब्ल्यू प्लस हाफ लॉग, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग पी के बी ये भी माइनस होगा हाफ लॉग। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला याद रखना है पीएच। इन दिस केस पीएच विल बिकम हाफ लॉग पी के डब्ल्यू प्लस हाफ लॉग पी के बी एंड माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। इन फॉर्मूलाज को याद करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन है हैंडरसन इक्वेशन, हैंडरसन इक्वेशन निकालते हैं हम, उससे पीएच निकालते हैं। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log concentration of salt by acid in acidic buffer and pH is equal to 14 minus pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम बाय बेस इन बेसिक बफर। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। तो इसे याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना है,
क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना एक बाई वन बाई वन वन बाई वन, तो ये सारे फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले के जो थ्योरीज हैं उसको समझ लेना एक बार। ऑलराइट, थैंक यू।